जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फैनको डीसीएस बुल्गारिया टी10 मैच की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला पीएलओ बनाम टीआरके के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी फ्रेंड्स। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करता हूँ फ्रेंड्स दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो पीएलओ से दोस्तों मोहम्मद सुफियान, जैन आसिफ, जैन अबीदी, आर मकडोमी, एम उज़ैर, उमर नावीद, फैज़ान रहमान, पार्थ अचर, राहुल दंबल, शिव पटेल, साहिल यासिर। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि पीएलओ के प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट वन बात करता हूँ टीआरके की प्लेइंग 11 की। रिजवान अली, जैन सौलत, इब्राहिम वट, ए रैकोडलिया, आवास जैदी, अब्दुल खान, एल मुख्तार, माजिद अली, देव पटेल, संचित सैनी एंड वालिद खान। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि टीआरके की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट वन बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। बता दूं दोस्तों ये मुकाबला 23 मई ट्यूसडे को शाम को 7 बजे से ये मुकाबला नेशनल स्पोर्ट एकेडमी में खेला जाएगा। बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों बैटर्स के लिए पिच ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है, हालांकि दोस्तों पेस बॉलर्स को भी इस पिच पर एडवांटेज मिलेगा। वेदर रिपोर्ट की बात करो दोस्तों यहाँ पर बारिश के चांसेस नहीं बनेंगे। बात करता हूँ फ्रेंड्स टीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों जो टीआरके है वो गुड फॉर्म में है, रिसेंट मैचेस में इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है टीआरके टॉस जीत सकती है फ्रेंड्स और पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। मैच एक्सपर्ट एडवाइस की बात करूँ तो दोस्तों मोहम्मद सुफियान को एज अ स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड जैन आसिफ को दोस्तों एज अ ग्रैंड लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए एज अ स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। हेड टू हेड की बात करूँ फ्रेंड्स दोनों टीमों के बीच एक भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं हुआ है। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप फैन कोड पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। फैंटेसी टिप्स की बात करूँ दोस्तों तो टॉप ऑर्डर बैटर आप पिक कर सकते हो, डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए फ्रेंड्स। विकेट कीपर में जैस सौलत आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स, बैटर्स का स्पिच पर ज़्यादा रोल रहेगा। बात करता हूँ फ्रेंड्स विनिंग प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों टीआरके है जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ येलो टीम से, जो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप टीआरके के अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। बात करता हूँ फ्रेंड्स बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक पीएलओ की तरफ से रहे हैं फ्रेंड्स, मोहम्मद सुफियान, जैन आसिफ, जैन अबीदी, आर मकडोमी एंड एम उज़ैर। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि पीएलओ की तरफ से रहे हैं। बात करता हूँ मुख्य खिलाड़ी जो कि टीआरके की तरफ से रहे हैं फ्रेंड्स, जैस सौलत, अब्दुल खान, देव पटेल एंड वालिद खान। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि टीआरके की तरफ से मुख्य खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट वन बात करता हूँ मुख्य खिलाड़ी जो कि पीएलओ की तरफ से हैं, मोहम्मद सुफियान, जैन आसिफ, आर मकडोमी, एम उज़ैर, फैज़ान रहमान, पार्थ अचर। दोस्तों आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो जो कि पीएलओ की तरफ से मुख्य खिलाड़ी हैं। बात करता हूँ बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक टीआरके की तरफ से रहे हैं फ्रेंड्स, जैस सौलत, हेरा कोदालिया, आवास जायदी, अब्दुल खान एंड एल मुख्तार। दोस्तों आप ये बेस्ट परफॉर्मर देख सकते हो जो कि टीआरके की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर आई है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की। तो मोहम्मद सुफियान को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। जैन आसिफ एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। फैज़ान रहमान एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर ट्रैक कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स, जो अच्छे बॉलर हैं। जैन सौलत एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। वालिद खान एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, जो कि अच्छे बॉलर हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इंजर्ड की बात करूँ फ्रेंड्स दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली प्रेडिक्शन वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे
पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।